दोस्तों, मम्मी किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने किचन में आलू का टिकिया बनाएंगे, पकौड़ी बनाएंगे। तो इसमें हम प्याज डाले हैं, हरी मिर्चा डालेंगे, टमाटर डाले हैं, जीरा पाउडर डाले हैं, गोल मिर्च पाउडर डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्चा पाउडर है, हल्दी है और नमक है। इस सबको हम डाल के इस सबको अच्छे से हाथों से इसे मिला लेंगे। देखिए, इस तरह से हम मिलाएंगे, बहुत ही अच्छा बनता है आलू का पकौड़ी। तो चलिए, यहाँ हमने मिला लिए हैं। तो अब इसे हम गोल गोल करेंगे। तो इस तरह से हम हाथ से इसे गोल गोल करके सारे को बॉल नियत बना करके इसे रख लेंगे और बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों। आप लोग भी ज़रूर बना करके एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ हमने सारे बना लेंगे एक ही साइज में, आप किसी भी सेब इसे दे सकते हैं। तो यहाँ हमने बना लिए हैं। तो देखिए, इतना बड़ा बड़ा बनाए हैं। अब इसके बाद हम कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच लेंगे, उसमें थोड़ा पानी डाल के हम इसका घोल तैयार करेंगे। तो इसका घोल थोड़ा हल्का गाढ़ा ही रहना चाहिए। तो अब यहाँ हमने कॉर्न फ्लेक्स लेंगे और इसके इसे हम हाथों से छोटे छोटे टुकड़े में कर देंगे। तो इस तरह से हम इसे छोटा छोटा टुकड़ा बना लेंगे और उसके बाद हमने जो आलू का बॉल बना करके तैयार किए थे उसे हम कॉर्नफ्लोर वाला घोल में हम इसे डुबाएंगे और उसके बाद हम इस जो कॉर्नफ्लेक्स का चूरन है उसमें हम इसे लपेटेंगे। तो देखिए, इसे हम घोल में डाल दिए हैं। अब ये सब को हम ऐसे करके इस चूरन में हम इसे लपेट के पूरा गोला को तैयार करेंगे। तो देखिए, जब तक हम तैयार कर रहे हैं तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो यहाँ हमने सारा इसी तरह बना करके बिल्कुल एकदम तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमने कढ़ाई गैस पे चढ़ा करके सरसों के तेल डालेंगे। सरसों का तेल ना हो तो रिफाइंड तेल में भी हम इसे फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ हमने रिफाइंड तेल डाल दिए हैं। अभी सबको हम फ्राई करेंगे अच्छे से। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसे छन करके निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह हमने निकाल लेंगे। यहाँ हमने टिश्यू पेपर बिछा लिए हैं, उस पर निकालेंगे क्योंकि टिश्यू पेपर तेल को सोख लेता है और ये नुकसान भी नहीं करेगा। तो ये हमारा बन करके बिल्कुल एकदम तैयार हो गया है। तो सर्व करने के लिए हम इसे प्लेट में निकालेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम निकाल लिए हैं और इसे हम टमाटो केचप के साथ सर्व करेंगे। तो चलिए, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक